गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द मैथमेटिक क्लास। आवर टूडेज टॉपिक इज रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर। किसी भी रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा? व्हेन वी इंटरचेंज द इंटीजर्स इन द न्यूमिरेटर एंड द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल ऑफ गिवन नंबर। कहते अगर हम किसी भी रैशनल नंबर में न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में दिए हुए इंटीजर्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो जो हमारे पास आता है उसे हम क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ गिवन नंबर। एग्जांपल बेटा, जैसे 4/9 है, रेसिप्रोकल ऑफ 4/9 का रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा? देखो 4 न्यूमिनेटर है, 4 क्या बन जाएगा? डिनोमिनेटर। 9 क्या है? डिनोमिनेटर। तो 9 किस में इंटरचेंज हो जाएगा? न्यूमिनेटर में। 9 न्यूमिनेटर की जगह पे पहुंच गया तो 4/9 का रेसिप्रोकल क्या हो गया? 9/4। हमने क्या कर दिया? न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर दिया। न्यूमिनेटर की जगह पे क्या आ गया? डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर की जगह पे क्या आ गया? ये वाला न्यूमिनेटर। क्लियर? तो रेसिप्रोकल क्या होता है? व्हेन वी इंटरचेंज द इंटीजर्स इन द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। क्लियर? हाँ जी। इफ एक्स इज एनी नॉन जीरो नंबर देन इट्स रेसिप्रोकल इज डिनोटेड बाय एक्स की पावर -1। हाँ जी, रेसिप्रोकल को डिनोट कैसे किया जाता है बेटा? जिस भी नंबर का हमने रेसिप्रोकल कैलकुलेट करना है उसकी पावर -1। अगर पावर -1 होती है डैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट रेसिप्रोकल विच इज इक्वल टू 1/x। एक्स की पावर -1 का क्या मीनिंग होता है? 1/x। रेसिप्रोकल इज आल्सो कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। रेसिप्रोकल का सेकंड नेम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होता है। नाउ जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। जीरो का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। क्यों नहीं होता बेटा? जीरो क्या होता है हमारे पास? जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर किसी भी रैशनल नंबर में के नीचे डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी नहीं होता डैट मीन्स इट हैज़ डिनोमिनेटर एज 1। क्लियर? अब अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, इसको उल्टा देंगे, तो क्या बन जाएगा? रेसिप्रोकल ऑफ 0/1 का रेसिप्रोकल क्या बनेगा बेटा? डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चेंज हो गया 1, और जो न्यूमिनेटर था वो डिनोमिनेटर बन गया 0। एंड 1/0 इज नॉट अ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर ही नहीं है, विच इज नॉट रैशनल नंबर। क्लियर? सो जीरो का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। नाउ रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। जैसे बेटा हमारे पास 1 है, 1 अकेला 1 है, इट मीन्स 1/1। अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दें, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में कन्वर्ट कर दें, देन इट आल्सो बिकम 1/1 विच इज सेम। सो रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1। नाउ इफ वी हैव टू चेक डैट रेसिप्रोकल ऑफ एनी गिवन नंबर इज गिवन देन हाउ कैन वी चेक? वी विल मल्टीप्लाई दिस बोथ रैशनल नंबर। इफ दिस मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 1 देन दीज आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। इफ देयर मल्टीप्लीकेशन इज नॉट इक्वल टू 1 देन दीज आर नॉट रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अगर हमने चेक करना है कि कोई भी गिवन नंबर किसी गिवन नंबर का रेसिप्रोकल है या नहीं, तो कैसे चेक करते हैं बेटा? दोनों की क्या कर देते हैं हम? मल्टीप्लीकेशन। उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन अगर 1 के इक्वल आती है डैट मीन्स तो वो एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल है। अगर 1 के इक्वल नहीं आती डैट मीन्स वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है। अब जैसे ये वाला सम में
पूछे कहते रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 इज -3/2। मैंने क्या किया, दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दी, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आई, -1 के, जो 1 नहीं है। दैट मीन्स 2/3 का जो रेसिप्रोकल है वो -3/2 नहीं है। अगर यहाँ पे -1 की जगह पे ओनली 1 आता, दैट मीन्स तो क्या हो जाता, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। क्लियर। टुडेज टॉपिक इज ओवर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।